हेलो फ्रेंड्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमकॉम पार्ट टू सेमेस्टर थ्री एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आपका जो चैप्टर फिफ्थ है, आज हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 37। अ कंपनी परचेस अ मशीन ऑन 1st जनवरी 2008 फॉर ₹60,000। द रिटेल प्राइस इंडेक्स ऑन दैट डेट स्टूड एट 150। You are required to restate value of machine according to CPP method. 31st December 2009 when the price index stood at 200. अब हमें CPP method का यूज करके इसको करना है। कैसे करना होता है ये आज हम देखेंगे। Conversion factor, ये हमारा formula है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सीपीपी होता क्या है। तो सीपीपी का मतलब होता है करंट परचेसिंग पावर। करंट परचेसिंग पावर का मेथड हमें यूज करना है। उसका फॉर्मूला ये है, कन्वर्जन फैक्टर जो कि प्राइस इंडेक्स एट द डेट ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइड प्राइस इंडेक्स एट द डेट ऑफ एग्जिस्टिंग फिगर। 200 जो दिया है आपको, ये 200 आपका इंडेक्स फिगर है, ठीक है। तो यहां पे लिखा एंड 150 आपका क्या था, ये प्राइस का था, तो ये यहां पे लिखा। देन 200 डिवाइड 150 किया तो कितना अमाउंट आ रहा है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पे देखिए, एक जीरो ये जीरो दोनों जीरो कट हो गया, ठीक है। 5 3 15 तो 3 आ गया, 5 4 20 तो 4 आ गया, 4/3 आपको मिल रहा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 31st December 2019 का वैल्यू ऑफ मशीन इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग वैल्यू मल्टीप्लाई कन्वर्जन फैक्टर। ये भी आपका फॉर्मूला है कि कभी भी वैल्यू ऑफ मशीन निकालनी हो तो उसका क्या है, एग्जिस्टिंग वैल्यू जो दी है वो एग्जिस्टिंग वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। परचेसिंग मशीन कितनी है, 60,000 की, मतलब वही वैल्यू एग्जिस्टिंग वैल्यू है, पुरानी वैल्यू है। और मल्टीप्लाई करना है कन्वर्जन फैक्टर, तो कन्वर्जन फैक्टर हमें ये मिला, ठीक है। तो 60,000 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 80,000 मिलेगा। तो इसको करके मैं आपको दिखाती हूँ। 60,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 3 80,000, तो आपको यहाँ पे 80,000 आ गया है। देन इन केस वन डिजायर टू नो ओनली डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग वैल्यू एंड कन्वर्टेड वैल्यू एन आइटम, इट कैन डायरेक्टली बी नोन बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग वैल्यू मल्टीप्लाई कन्वर्जन फैक्टर माइनस 1। एग्जिस्टिंग वैल्यू हमें 60,000 दिया है, मल्टीप्लाई 4/3 और माइनस 1 करने का, तो आपको यहाँ पे 60,000 मल्टीप्लाई, अभी देखो 4 में से अभी यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। तो क्या करने का, 4 माइनस, अभी यहाँ पे 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3। अब ये 3 में से 4 माइनस किया तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो 1/3 आ गया, तो 1/3, तो अभी इसको इस तरीके से करना है, 60,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 3। तो कैसे करना है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। 60,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 3 20,000, तो 20,000 आया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, यू आर रिक्वायर्ड टू, जो हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि हमें क्या बनाना था, वैल्यू ऑफ मशीन की जो सीपीपी मेथड से हमें बनाना था, तो हमने सीपीपी मेथड से बनाया है इस तरीके से आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ही है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन, इसको भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। मिस्टर एक्स परचेस अ मशीन इन 2000 फॉर अ 1 लाख व्हेन जनरल प्राइस इंडेक्स वॉज 180। जब जनरल प्राइस इंडेक्स 180 था तब उन्होंने क्या किया, मशीन परचेस कर ली। He sold the machine in 2010 for ₹1,65,000 और उन्होंने बेचा कितने में, 1,65,000 में। When the general index was 270, general index कितना है, 270 है। Calculate the profit or loss on the sale of machine keeping aside price level changes। इसको कैसे solve करने का, तो हमें profit and loss sale of machine बोला है कि कितना होगा, तो क्या करने का, अभी देखो हम यहाँ पे भी वही method करेंगे। परचेस प्राइस ऑफ मशीन 2008 में जो परचेस किया 1 लाख है, सेल प्राइस 2010 में कितना है, 1,65,000 है, तो टोटल कितना आ गया, 65,000
ये आपने क्या किया, यहाँ पे माइनस किया, ठीक है। तो 1 लाख में 1,65,000 माइनस हुआ तो 65,000 है। 65,000 जो है वो आपका क्या है, देखो करंट ईयर से फिर प्रीवियस ईयर का माइनस करने का, तो 1,65,000 में से माइनस किया 1 लाख, तो आपको 65,000 आए, ये आपका प्रॉफिट हो गया। द कन्वर्टेड वैल्यू ऑफ मशीन, अब मशीन को कन्वर्टेड वैल्यू, तो 1 लाख और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या रहता है कि प्राइस इंडेक्स डिवाइड करने का, ओके तो ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस इंडेक्स का एवोल्यूशन, तो 270 क्या है, ये जनरल इंडेक्स है, डिवाइड करने का प्राइस इंडेक्स 180, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 270 डिवाइड 180, तो 1,50,000 आपको मिल जाएगा, ठीक है। देयरफोर 1,65,000 जो हमारा आया था 2010 में, और 1,50,000 जो हमने अभी निकाला, इसको माइनस किया तो 15,000 आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीन जो हमने कैलकुलेट किया है प्राइस लेवल चेंज करके, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा और ट्रिकी है, नॉन मॉनेटरी एसेट और मॉनेटरी एसेट, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। एच कंपनी हेल्ड अ शेयर इन एक्स कंपनी विच इज ब्रॉट फॉर 10,000 इन 2019 व्हेन इंडेक्स ऑफ जनरल लेवल ऑफ प्राइस स्टूड एट 110 एट द एंड ऑफ 2012 द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर वॉज 8,000 एंड द इंडेक्स 132 एट द एंड ऑफ 2013 द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर वॉज 9,000 एंड द इंडेक्स 145.2 यू आर रिक्वायर कैलकुलेट सीपीपी वैल्यू ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ 2012-13। हमें सीपीपी वैल्यू निकालनी है। अंडर द सीपीपी अकॉर्डिंग व्हाट गेन और लॉस वुड बी शो इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर, ये भी देखना है कि क्या गेन हुआ है क्या लॉस हुआ है, एंड व्हाट इन फैक्ट वॉज गेन और लॉस इन परचेसिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर ड्यूरिंग 2013। सबसे पहले क्वेश्चन वन जो है उसको करते हैं, कैलकुलेट सीपीपी वैल्यू। तो सीपीपी वैल्यू एंड एट द एंड ऑफ 2012 है, तो 2012 में क्या था ये देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 10,000 दिया हुआ है, ठीक है, 10,000 आपको यहाँ पे दिया है, तो ये 10,000 लिखा, और उसका 2012 का वैल्यू कितना था इंडेक्स का 132, तो मल्टीप्लाई किया, देन इधर आपको 110 दिया है जो कि 2009 का था इंडेक्स, डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 12,000, ठीक है, ये आपका 2012 का सीपीपी आया। देन 2013 का सीपीपी 10,000 मल्टीप्लाई करने का 14.2, ये देखो 145.2 है ना, 145.2 इसको मल्टीप्लाई करने का, बिकॉज ये 2013 का है, मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का 110 जो हमारा पुराना है, देन आपको मिलेगा 13,200, ठीक है। तो हमें बोला था कैलकुलेट सीपीपी वैल्यू, तो हमने निकाल दिया सीपीपी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंडर सीपीपी अकाउंटिंग व्हाट गेन और लॉस वुड बी शो इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर, कि क्या गेन हुआ है क्या लॉस हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर में। तो देखो इन्वेस्टमेंट आर नॉन मॉनेटरी एसेट, इन्वेस्टमेंट क्या है नॉन मॉनेटरी एसेट है, दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक फिक्स मॉनेटरी क्लेम रहता है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट गेन और लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर हेल्ड हैज बीन अराइव एट फॉलो गेन लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडर सीपीपी पर्टिकुलर एट द एंड ऑफ 2012-13 डिजायर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का के देखो इधर 12,000 है और यहाँ पे 13,200, देन क्या करने का, हाउ एवर 10,000 जो हमारा था अमाउंट बॉट किया था हमने, 10,000 लिया, 12,000 में 10,000 माइनस किया तो कितना आया 2,000 का लॉस हुआ, 13,200 में 10,000 माइनस किया तो कितने का हुआ 3,200 का लॉस हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट अंडर सीपीपी में क्या हुआ, ये सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा इसमें लॉस हुआ है, हमें पूछा था कि ये जो हमने निकाला है इसका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है। थर्ड क्वेश्चन जो हमें पूछा है वो है कि व्हाट इन फैक्ट वॉज गेन और लॉस परचेसिंग पावर, अगर लॉस भी हुआ है तो परचेसिंग पावर उसका क्या कैसा है। तो एक्चुअल गेन और लॉस इन परचेसिंग पावर,
तो पर्टिकुलर एट द एंड 2012-13 करने का डिजायर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी 12,000 और 13,000 टू, ठीक है। हाउ एवर दे स्टूड, उन्होंने 8,000 और 9,000 यहाँ पे बुक किया था। यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन में तो यहाँ पे लिखा है 8,000, ठीक है। ये मार्केट प्राइस शेयर वॉज 8,000, ठीक है, और फिर 2013 का 9,000 था मार्केट प्राइस। तो क्या करने का, यहाँ पे आपको आंसर में भी वही मेंशन करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होगा 8,000 9,000, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 12,000 में माइनस करो 8,000 तो 4,000 आएगा, 13,200 में माइनस करो 9,000 तो 4,200 आएगा। ये आपका लॉस है, ठीक है, एक्चुअल गेन लॉस। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टाइप के। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। ये था हमारा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का छोटा सा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।